नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। राइट नाउ यू आर वॉचिंग ट्रेंडिंग दिस आफ्टरनून। आज देश में कारगिल दिवस के मौके पर कई आयोजन किए गए और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में जाकर कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उस वक्त मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीदों को पुष्पांजलि दी। आज कारगिल युद्ध विजय को 24 साल हो चुके हैं, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए थे और आज इन्हीं शहीदों को सम्मान देने के लिए 4 मिग 29 एयरक्राफ्ट में फ्लाइट पास्ट किया गया है। 3 चिता हेलीकॉप्टर्स ने मेमोरियल पर फूल बरसाए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, कारगिल युद्ध के दौरान हमने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पार नहीं किया था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम LOC पार नहीं कर सकते। हम LOC पार कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में LOC पार करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था कि वो सुधर जाए, नहीं तो मुश्किल होगी। चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पर खुदाई का इरादा रखने वाले चीन ने साइंटिस्ट ने अब रहस्यमय तरीके से धरती के अंदर 10 किलोमीटर गहरा छेद करना शुरू कर दिया है, जो कि चीन के तेल से भरे शिनजियांग स्टेट में किया जा रहा है, जो कि सुनने में काफ़ी चौंकाने वाला लगता है। असल में चीन के वैज्ञानिक सुन जिनशेन ने खुद कहा है कि प्रोजेक्ट उतना ही मुश्किल है जितना कि स्टील की दो पतली केबल पर एक बड़े से ट्रक को चलाना, क्योंकि अभी तक इंसान की ओर से बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा छेद रूस के कोला प्रायद्वीप में हुआ था। वैसे इस प्रोजेक्ट को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शुरू किया था, जिनमें उन्होंने धरती के भीतर अंदर छिपे मिनरल्स का पता लगाने और कोई भी नेचुरल डिजास्टर की स्टडी करने के लिए कहा था। फिर भी बाहर देशों में दर में चीन ना जाने इस बहाने क्या क्या मामला खड़ा करते। बताया जा रहा है कि यह पूरा छेद पृथ्वी की ऊपरी परत से 10,000 मीटर या फिर 32,808 फुट गहरा होगा और चीन दल में उम्मीद है कि वह इस छेद के जरिए क्रिटेशियस काल की चट्टान तक पहुंच जाएगा। क्रिटेशियस परत को क्रिटेशियस सिस्टम कहा जाता है, जो कि 14 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस परियोजनाओं के जरिए केवल मिनरल्स की पहचान कर सकेगा, बल्कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे नेचुरल डिजास्टर का आकलन कर सकेगा। इसके साथ ही यह छेद भले ही 10 किलोमीटर गहरा हो, लेकिन यह दुनिया के सबसे ज़्यादा गहरा नहीं है। दुनिया का सबसे ज़्यादा गहरा छेद उत्तर पश्चिमी रूस में कोला प्रायद्वीप में किया गया था, जिस वजह से इस कोला सुपर डीप बोरवेल कहा जाता है और यह छेद समुद्र की सतह से 11,034 मीटर गहरा है। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वरमय टाइम्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।